कहते हैं कि भारत ने जबरन कश्मीर में कब्जा किया है और राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया। ये राष्ट्र विरोधी बात है भाई और बहन। अदिति त्यागी को ऐसा कोई इनाम नहीं चाहिए जो उसकी देश की बदनामी की कीमत पर आता हो। शुभ्रांश राय, तुम्हारी ज़हनियत, तुम्हारी सोच जो है ना वो बहुत छोटी है। जी हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। सच ये है कि तुम हकीकत का सामना नहीं करना चाहते हो। तो पत्रकारों का काम जो है कि वो सरकार को क्रिटिसाइज करे और सच ढूंढ करके लाए। उस सच को निकालने के लिए पहले पत्रकारिता होती थी, अब सच को छुपाने के लिए पत्रकारिता होती है। जम्मू कश्मीर के तीन फोटो जर्नलिस्ट दर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी अनंत को पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दक्षिण एशिया के किसी फोटो जर्नलिस्ट को पहली बार ये पुरस्कार मिला है। चन्नी अनंत फोटो एजेंसी एपी के साथ काम करते हैं, वहीं यासीन डार और मुख्तार अहमद भी एपी से ही जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के इन तीनों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद के हालातों को बयान करती तस्वीरों के लिए प्रदान किया गया है। आप भी जरा इन तस्वीरों को देखिए जिनके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। पुलित्जर निर्णायक मंडल ने इन तस्वीरों को स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ कहा है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता जगत में सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस सब मुद्दे पर विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने ट्वीट कर इन फोटो जर्नलिस्ट को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि दर यासीन, मुख्तार खान और चन्नी अनंत को पुलित्जर अवार्ड जीतने पर बहुत बहुत बधाई, आपने हम सबका मान बढ़ाया है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कब से शांत बैठा मेनस्ट्रीम मीडिया एकदम से सक्रिय हो गया इस बात पर और राहुल गांधी को एंटी नेशनल साबित करने में जुट गया। मेनस्ट्रीम मीडिया ने इन जर्नलिस्ट को विदेशी एजेंट भी कहा और एंटी नेशनल भी, और राहुल गांधी को इन्हें बधाई देने पर टारगेट करना शुरू कर दिया। दरअसल तीन फोटोग्राफर जो पुलित्जर अवार्ड जिनको मिला, ये तीनों फोटोग्राफर एक विदेशी एजेंसी से जुड़े हैं। इन लोगों ने 370 हटाने के बाद कश्मीर की कुछ तस्वीरें दिखाई अवार्ड देने वालों की तरफ से, यानी कि ये अमेरिका के पुलित्जर की तरफ से कहा गया कि ये तस्वीरें क्या बताती हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है और न था और न होगा। कहते हैं कि भारत ने जबरन कश्मीर में कब्जा किया है और राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया। ये राष्ट्र विरोधी बात है भाई और बहन। ये वही कश्मीर है जो पालघर पर तो चुप थी, पालघर पर चुप है। ये वही वाड्रा कांग्रेस है जो संतों की आवाज को दबाती है, लेकिन देश विरोधी बोल पर वाहवाही करती है। वो तस्वीरें प्रोटेस्टर्स के हाथ में आजाद कश्मीर के स्लोगन्स दिखाती है, पोस्टर्स दिखाती है, और ऐसी तस्वीरों को राहुल गांधी सलाम कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर की झूठी तस्वीर राहुल गांधी को कबूल है? कश्मीर में कुर्बानियों पर वो मौन साथ जाते हैं, चुप्पी साथ जाते हैं, तो फिर दुष्प्रचार पर बधाई वो कैसे दे सकते हैं? उसके लिए एनडीए से बात करनी पड़ती है, तो बधाई देंगे आगे राहुल गांधी की भाषा पर। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, सुन लीजिए कान खोल के मेरी बात। जिसमें हिंदुस्तान को गाली देनी पड़ती हो, जिसमें हिंदुस्तान की बदनामी होती हो, जिसमें हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार होता हो, ऐसी खबर सुन लीजिएगा, ऐसी खबर जी न्यूज ने ना तो कभी दिखाई है ना कभी दिखाएगा। अदिति त्यागी को ऐसा कोई इनाम नहीं चाहिए जो उसकी देश की बदनामी की कीमत पर आता हो। शुभ्रांश राय, जिस कश्मीर में सेना ने देश का मान बढ़ाया है, उसी कश्मीर की तीन फोटो जर्नलिस्ट को देश विरोधी फोटो के नाम पर एक विदेशी पुरस्कार मिला, जिसके बाद राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, तमाम लोग सब ताली पीटने में जुट गए। सेना की शहादत पर ट्वीट करने में इनके तमाम लोगों के हाथ ठंडे हो जाते हैं, लेकिन देश विरोधी एजेंडा पर ये तारीफों के पुल बांधते हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
इन तीनों जर्नलिस्ट ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद के असल हालात अपने फोटो के जरिए दर्शाए हैं। मीडिया इन्हें एंटीनेशनल कहने में लग गया है। आखिर क्यों गोदी मीडिया के इन पत्रकारों को कभी भी ऐसे प्रतिष्ठित अवार्ड नहीं मिलते? इसलिए जब ये पत्रकार सरकार की चाटुकारिता करते हैं, तब सरकार इन्हें कभी तो पद्म भूषण दे देता है और किसी को राज्यसभा की टिकट। आपको बता दें कि रजत शर्मा को 2015 में पद्म भूषण से नवाजा गया था और जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्र को सरकार ने राज्यसभा का एमपी का टिकट दिया है। पर पुलित्सर जैसे अवार्ड पत्रकारों को उनके काम की वजह से दिया जाता है, ना कि चाटुकारिता की वजह से। अभिसार शर्मा ने अपने शो में राहुल गांधी की ट्वीट पर आलोचना करने वालों से भी कुछ सवाल किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त ट्विटर के अंदर राहुल गांधी को गद्दार बता रही है बीजेपी आईटी सेल। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के इस ट्वीट के मुताबिक वो तीन भारतीयों को जो पुलित्जर प्राइज मिला है उसकी बधाई दे रहे हैं। जब रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड मिला था, तब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा था, या सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें बधाई दी थी? क्यों नहीं दी थी? रवीश कुमार तो गद्दार नहीं है ना। रवीश कुमार मेरे जैसे कुछ अन्य पत्रकारों की तरह इस सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका सिर्फ इतना गुनाह है, उन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला मगर इस सरकार ने मुंह तक नहीं खोला। 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के गुर्गों, तुम्हारी जहनियत, तुम्हारी सोच जो है ना, वो बहुत छोटी है। जी हां, इसके अलावा और कुछ नहीं। सच यह है कि तुम हकीकत का सामना नहीं करना चाहते हो। दिक्कत यह है तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी की आलोचना की और इन तीन फोटो जर्नलिस्ट को देश विरोधी बता दिया। आज तीन तथाकथित भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुलित्जर अवार्ड के वेबसाइट में आप अगर जाएंगे और फीचर फोटोग्राफी के कैटेगरी में देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अवार्ड का साइटेशन क्या कहता है। वो कहता है कि कश्मीर एक विवादित स्थान है, कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए था किंतु हिंदुस्तान ने इस कंटेस्टेड टेरिटरी को जबरन रोका हुआ है अपने पास। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इन जर्नलिस्ट को जो कि पुलित्जर अवार्ड प्राप्त किए हैं उन्हें राहुल गांधी जी बधाई देते हैं। आज ये बड़ा आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र के सामने यह स्पष्टता रखें कि कांग्रेस पार्टी और कश्मीर इस विषय को लेकर वो क्या कहती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, उनका क्या मानना है? क्योंकि उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी का मानना है, क्योंकि उन्होंने बधाई भी दी है इन पत्रकारों को, कि साइटेशन में जो लिखा हुआ है वो सत्य लिखा हुआ है। इस विषय में तुरंत कांग्रेस पार्टी को क्लैरिफाई करना चाहिए। कुछ समय पहले कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया की पत्रकारिता पर अपने विचार प्रकट किए थे, आप जरा ये भी सुनिए। जर्नलिस्ट सिर्फ अकेले इस बात के लिए दोषी नहीं है जो आज वो कर रहे हैं और जो उनको करना पड़ रहा है। ये एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। स्ट्रक्चर ये है कि पहले जो मैनेजमेंट होता था वो पत्रकारों के हाथ में ही होता था। आज पत्रकारिता अलग हो गई है और प्रबंधन अलग हो गया है, मैनेजमेंट अलग हो गया है। आज मैनेजमेंट में वो लोग बैठे हुए हैं जो इन्वेस्टर्स की तरफ से बिठाए गए हैं, जो चैनल का मालिक है उसने जिसको बिठाया है, या एडिटर भी जो पहले कभी पत्रकार रहा हो वो पत्रकार की हैसियत से एडिटर नहीं है, वो मैनेजर की हैसियत से, सीईओ की हैसियत से वो एडिटर बन करके वहां बैठा हुआ है। नतीजा क्या हो रहा है कि पत्रकारिता पीछे छूट गई है और बिजनेस उसके ऊपर हावी हो गया है। कर रहे हैं, वेज कमीशन नहीं है, पत्रकारों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। एक स्टोरी के पीछे उनको भगा दिया गया है, चाहे वो स्टोरी करने में उनको 12 घंटा लगे, 15 घंटा लगे, उनको स्टोरी कर करके लाना है। ऐसे जब हालात बनाए गए हैं तो पत्रकार को भी लगता है कि पत्रकारिता करने से तो अच्छा है कि चापलूसी कर लें, क्योंकि इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की संभावना है। लोग चापलूसी करके इस देश में राज्यसभा का मेंबर बन जा रहे हैं, राज्यसभा के सांसद बन जा रहे हैं। लोग जो है चापलूसी करके अपना चैनल खोल ले रहे हैं, मतलब नेशन वांट्स टू नो पहले कहीं और पूछ रहे थे, अब कहीं और पूछ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पत्रकारिता करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी यदि कोई करने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाता है गौरी लंकेश की तरह, उसको पुण्यप्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा की तरह नौकरी से निकाल दिया जाता है। उस चैनल को जो पत्रकारिता करने की कोशिश की जाती है उसको बंद कर दिया जाता है। आप एनडीटीवी की हालत देख लीजिए। जो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे आज वो बेचारे क्या करें, वो कहीं से लाइसेंसधारी बंदूक लेकर के किसी को लेकर के थोड़ी घूम सकते हैं। तो पत्रकारों का काम जो है कि वो सरकार को क्रिटिसाइज करे और सच ढूंढ करके लाए,
उस सच को निकालने के लिए पहले पत्रकारिता होती थी, अब सच को छुपाने के लिए पत्रकारिता होती है। हमारे देश का ज्यादातर मीडिया नफरत फैलाने और सरकार की चाटुकारिता करने में लगा है। असल मुद्दों पर इनसे कभी भी सरकार से सवाल नहीं किए जाते। इन लोगों की वजह से ही भारतीय मीडिया पूरे दुनिया में हास्य का पात्र बन चुका है। शायद इसीलिए इन गोदी मीडिया के पत्रकारों को किसी की अच्छी पत्रकारिता के कारण दुनिया का इतना बड़ा अवार्ड मिलना हजम नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी।